और फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो मेरा वीडियो बनने वाला वो है Q&A वीडियो। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि वो Q&A वाला स्टिकर जो मैंने आस्क मी क्वेश्चन वाला इंस्टाग्राम पे डाला था, उसको डाले हुए मुझे मैक्सिमम 5 वीक्स हो चुके हैं। और मैंने सोचा था कि मैं बहुत पहले डालूँगी, मतलब 1-2 वीक पहले। तो उस बीच क्या हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे जुकाम लग जाता है, तो मैं ना सांस ले पाती हूँ ना बोल पाती हूँ, और मुझे मुंह से सांस लेना पड़ता है। इसकी वजह से मैं वीडियो बनाने के हालत में नहीं थी कि मैं अपनी वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ। तो मैंने इसको आज बनाने का सोचा और फाइनली आज मैं एकदम ठीक हूँ आपके सामने में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वरना मैं यूँ छींकते हुए और नाक साफ करते हुए नज़र आती हूँ और रो भी रही होती, पर ठीक है। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम 1000 के आसपास क्वेश्चंस पूछे होंगे, और लगभग सबके सेम टू सेम थे, जैसे कहाँ से हो, एज क्या है, और तुम क्या करती हो, वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैंने जो सेम क्वेश्चन थे उनको मैंने अलग कर लिया, और कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी थे वो भी अलग कर रखे हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो जो क्वेश्चंस मुझे ठीक लगे मैंने उनको चूज कर रखा है और मैं उनके आंसर्स आप लोगों को दूंगी। तो जो पहला क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत 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 सारे लोगों ने पूछा है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बता दूं कि मैं हूँ उत्तराखंड से, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। मैं बेनाग में रहती हूँ। अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती, क्योंकि जिस तरह से लोग मेरे इसमें कमेंट्स करते हैं कि आपका घर कहाँ आएगा, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो मेरे घर ही पहुँच जाएंगे। ये कमेंट्स वगैरह सेक्शन के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर बाद में। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि आप क्या करती हैं, तो मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ और मेरा अभी बी का 3rd ईयर चल रहा है। और तो अब है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, तो मुझसे क्वीन अप्सरा शाही नाम है इनका, तो इन्होंने पूछा है कि आप नेपाल से हो क्या दीदी, आप इतनी क्यूट क्यों हो। क्यूट हूँ ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत बोला कि मैं नेपाल से हूँ। बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो मैंने शायद पहले के वीडियोस में भी बताया था कि मैं नेपाल से नहीं हूँ, उसके बावजूद भी लोग मुझे समझते हैं कि मैं नेपाल से हूँ या कहीं वहीं से हूँ, पर मैं नेपाल से नहीं हूँ, उत्तराखंड से हूँ। और नेक्स्ट है कि क्या आपकी शादी हो गई है। ऑफ कोर्स नॉट यार, मैं अनमैरिड हूँ और अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और जब शादी होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे मांग में सिंदूर होगा, गले में मंगलसूत्र होगा। कुछ आजकल ऐसा होता है ना कि बहुत सारी शादीशुदा औरतों का भी पता नहीं चलता, तो शायद इस वजह से लोग मुझसे पूछते होंगे कि तुम शादीशुदा हो, ये हो, वो हो, ऐसा सा। और साड़ी में रील्स बनाना, वो ऐसी बस रील्स के लिए साड़ी पहनती हूँ मैं। वैसे मैं कोई साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ, मैं घर में ऐसी कैजुअली ऐसी घूमती हूँ, और कहीं इधर उधर जाना होता तो तब भी मैं साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ, बस मैं ओनली रील्स के लिए पहनती हूँ। तो शायद उसकी वजह से लोगों को लगता होगा कि क्या पता मैं शादीशुदा हूँ या जो भी हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे कभी, अच्छा, क्या तुमने कभी घोष देखा है या नहीं, ये रिप्लाई ज़रूर करना दीदी। तो ये मुझसे पूछा है ताड़वी सानत जो भी है, तो इन्होंने मुझसे पूछा है क्या तुमने कभी घोष देखा है। नहीं देखा है। मैं हॉरर मूवीज़ देखती हूँ और मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहले से मैं बहुत ज़्यादा देखा करती थी, तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और देखने से मना करते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगती है। मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हॉरर मूवीज़ देखने में, और मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने आज तक जो जो बहुत सारी डरावनी मूवीज़ होती है, द नन, कंजरिंग और जितना कुछ है, मैंने सब देख लिया, लेकिन मुझे डर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अचानक से भूत आते हैं, क्यों डरते हैं, पीछे को जाते हैं या कुछ होता है, मैं तब भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये सब कुछ ऐसी है, पर सामने से कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा किस्से सुने हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ऐसे किस्से या ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके जिन्होंने भूत देखा होता है, ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, पर मेरे साथ फिलहाल ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कभी दिखेगा तो वो चीज भी शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी और गढ़वाली, ये पूछा है मेरे से पूनम पोखरियाल ने। तो मैं हूँ कुमाऊनी। गिरीश वर्मा ने मुझसे बोला है कि शादी के बाद भी इंस्टा रील बनाओगी क्या।
ये तो डिपेंड करता है कि मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं रील्स बनाना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या पता कभी टाइम ना मिले। तो जैसे मैं आजकल करती हूँ, मैं डेली पोस्ट करती हूँ, भले मैं कहीं भी जाऊँ थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन मैं डेली पोस्ट हमेशा करती हूँ रील को। कभी नहीं कर पाई तो उसका या तो नेटवर्क इशू हो जाता है, या कभी कुछ ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। बट ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मैं डेली शाम को 6 बजे हमेशा अपलोड करती हूँ। और शादी के बाद ये होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं या जो भी होता है, मुझे इस चीज़ का पता तो है नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं रील नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं बनाऊंगी, लेकिन डेली बनाने का या ना बनाने का ये बात की बात पे डिपेंड करता है। आर यू फ्रॉम कोलकाता? ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप चाइना से हो, या आप नेपाल से हो, या आप कोरिया से हो, या ये थोड़ा अलग पूछ दिया कि कोलकाता से हो। मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं आज तक कोलकाता कभी गई भी नहीं हूँ। नेक्स्ट है बेस्ट स्कूल मेमोरी। ये मुझसे पूछा है शैली ने, एक्चुअली शी इज़ माई क्लासमेट, तो उसने मुझसे पूछा है कि बेस्ट स्कूल मेमोरी। तो स्कूल में ना बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं, भले ही वो हमारा दोस्तों के साथ बैठना हो, या बातें करना, या खेलना, या घूमने जाना, किसी ट्रिप पे जाना। तो ये सब कुछ एक्चुअली में बहुत बहुत बड़ी मेमोरीज होती हैं हर किसी के लाइफ में। तो मेरे ख्याल से कोई भूलता होगा कि स्कूल की मेमोरीज याद नहीं करनी है या जो भी है। अरे तो सारे लोगों को अपने स्कूल की मेमोरीज हमेशा याद रहती हैं, और लेकिन जो बेस्ट मेमोरीज हैं वो जो हमारी थी बहुत सारी है। बस मेरी मेरी इतनी अच्छी बात है कि जो हमारी क्लासमेट्स थी, यानी कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी या क्लासमेट्स थी, हम सभी का बॉन्ड ना अच्छा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने लड़ाई की या मारपीट वाला, जैसे मैं देखती हूँ ना, जैसे मैं ड्रामास या मूवीज़ वगैरह में देखती हूँ कि लड़कियाँ एक दूसरे से जेलस होके पता नहीं बहुत कुछ करती हैं हरकतें, लेकिन हमारी क्लास में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी अच्छे थे, बॉयज़ भी अच्छे थे, गर्ल्स भी अच्छे थे। मतलब एक तरफ से माना जाए तो हमारी बॉन्डिंग सबके बीच बहुत अच्छी थी। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर बॉयज़ कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो हम बताते नहीं थे, या हमसे कुछ गलती हुई, तो मतलब एक दूसरे में काफ़ी अच्छा सब कुछ था। एक और चीज़ थी कि जैसे लोगों का होता है कि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, या ये मैंने बहुत कोशिश की है, मतलब बहुत क्या मतलब मैंने कोशिश की है कि जिन जिन से मेरा बॉन्ड अच्छा था, मैंने उन उनसे मतलब हमेशा कांटेक्ट बनाए रखा है अभी भी। और मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब बीच बीच में मतलब मैसेज करके पूछती रहूँ कि कैसे हो, क्या हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे पूछा है कि आपके पापा क्या करते हैं, आप अपने फैमिली में कितने लोग हो? तो मेरे पापा आर्मी में हैं, और मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है, मम्मी और पापा। हाँ, योर फेवरेट के ड्रामा? तो मेरा फेवरेट के ड्रामा है, वैसे मेरे बहुत सारे फेवरेट के ड्रामा हैं, तो क्रैश लैंडिंग ऑन यू भी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत सारे इमोशंस पार्ट थे। और द लीजेंड ऑफ ब्लू सी भी अच्छा है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। इट्स ओके नॉट बी ओके, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि इसमें जो मेन लीड थी, यानी कि मेन एक्टर थी, को मुनियोंग नाम था उसका, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भी बहुत सारे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऑल ऑफ अस आर डेड अच्छा लगता है, स्वीट होम अच्छा लगता है, और कौन सा, मैं गिनने बैठ गई ना तो वही फिर ड्रामा की बात ही खत्म नहीं होगी। इसको लेके कभी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी बाद में, अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट है, इज योर एंसेस्टर्स आर फ्रॉम नेपाल? यार ये मुझे भी नहीं पता कि हमारे एंसेस्टर्स नेपाल से हैं करके, क्योंकि क्योंकि हमने कभी जाने की कोशिश भी नहीं की। और शायद से मुझे एक बार किसी टीचर ने बताया था कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो हैं असम से या इस साइड से, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कहाँ सर्च किया, क्या किया, पर शायद ऐसा सच हो सकता है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शायद से मैंने सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए,
है, दीक्षिका बर्तवाल ने पूछा है, आपका दिल बहुत प्यारा पता है। मुझे भी पता है कि मेरा दिल बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका दिल अच्छा है या जो भी है। मतलब इस दिल के ऊपर मैं बहुत सारे कमेंट्स या तारीफ़ें मैं बहुत ज़्यादा सुन चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ग्रोथ करेगा, ग्रोथ कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन चाहती नहीं हूँ मन से ऐसा। मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पे रुक जाए, इतना ही रुक जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे आप जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मैं यही चीज़ गौर करती हूँ, मेरा दिल अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत सुंदर सुंदर सी भी लगती हूँ कभी कभी, लेकिन बस यहीं पटक जाए, भगवान करे प्लीज़। हो नेक्स्ट है, मुझसे पूछा है अभी पांडे ने, विच प्लेस यू वॉन्ट टू गो इन इंडिया? आई वॉन्ट टू गो जहाँ बर्फ़ पड़ती है, कश्मीर, मनाली, शिमला या ऐसी जगह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि जहाँ मेरा घर है वहाँ एक बार बहुत पहले, बहुत साल पहले बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो तब हम छोटे बच्चे थे और मेरा इतना मन था बर्फ़ में खेलने का, लेकिन मम्मी ने बाहर नहीं जाने दिया। तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक है कि जहाँ बर्फ़ पड़े मैं उस जगह में घूमने जाऊँ और देखूँ। तो अभी तक मैंने जितना भी देखा है तो मुझे कश्मीर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वहाँ की जो प्लेसेस हैं या जो घूमने का या जो भी चीज़ है वो बहुत अच्छा है, और जब वहाँ बर्फ़ पड़ती तो वो तो और भी सुंदर लगता है। तो मेरा जो मन है जाने का, वो बस कश्मीर जाने का है। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, सारे तो नहीं, लेकिन मैंने जो जो क्वेश्चंस यूनिक थे या जो मुझे पता था कि बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो चीज़ मैंने बता दी है। एक और चीज़ तो मैं भूल ही गई, मुझसे लोगों ने मेरी एज भी पूछी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं एज नहीं बताऊंगी अपनी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स में जब लोग मुझसे पूछते तो मैं ऑब्वियसली सबको बता देती हूँ कि मैं इतनी साल की हूँ। तो अभी मेरी एज है 21, और अभी बस जस्ट अगले महीने यानी कि दिसंबर 25 को मैं 22 की हो जाऊंगी, दैट्स ऑल। तो अभी के लिए वीडियो यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा बहुत जल्दी आएगा, और वो व्लॉग थोड़ा सा क्या पता अमेजिंग होने वाला हो या बहुत मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन देखते हैं आप लोगों को कैसे पसंद आता है या नहीं, या जो भी है। कितना बड़बड़ करती हूँ मैं। ओके भाई, बाय बाय।